नमस्कार साथियों, आज से हम हनुमान चालीसा पर बातचीत आरंभ करेंगे। आज का दिन रविवार का दिन है और चूंकि हनुमान चालीसा का आरंभ जिस प्रथम पंक्ति से होता है वो पंक्ति ही यूं है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, तो उसमें श्री गुरु की याद की गई है और हनुमान जी के गुरु जो हैं सूर्य थे और इसलिए आज का दिन रविवार का दिन है। हनुमान चालीसा की जो प्रथम पंक्ति है तुलसी ने अपने श्री गुरु को नमन करते हुए लिखी है और जानबूझकर गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी कहकर इसमें एक विपर्यय का प्रयोग किया कि धूल से दर्पण को साफ करने की प्रत्यक्षता असंभव लगने वाली चीज भी तब संभव हो जाती है जब वह धूल श्री गुरु के चरण कमलों की हो और वह दर्पण अपने मन का हो। यानी यहाँ वो बात नहीं है कि जो अजहर अदीब ने अपने उस शेर में कही कि हवा को जिद कि उड़ाएगी धूल हर सूरत, हमें यह धुन है कि आईना साफ करना है। इस शेर में तो जैसे ये जिद का धुन का मामला है, पर श्री गुरु चरण सरोज रज की बात गुरु श्री चरणों में प्रणति की विनम्रता वाली बात है, जिद की बात नहीं। तेरे चरणों की धूल मिल जाए तो मैं तर जाऊं, वो वाली बात है यहाँ। और यह विरोधाभास जो अपनी पहली ही पंक्ति में तुलसीदास रचते हैं हमारे उस जीवन के लिए कितना सांत्वनादायी है कि जो खुद बहुत से विरोधाभासों से घिरा हुआ है। नदीम गोल्लानी के शब्द हैं, एक शफाफ आईना था मैं, रास्ते ने किया है धूल मुझे, अपने ही जीवन अपने ही अस्तित्व के अंतर विरोधों से खिन्न हो गए लोगों के लिए यह हनुमान चालीसा एक बड़ी आश्वस्ति की तरह तुलसी ने रचा है। शायर हैं एक, वो कहते हैं, चेहरे हुए जो गर्द तो आईना बन गए, चेहरे हुए जो गर्द तो आईना बन गए, क्या तुरफा मौजजात थे सहरा की धूल के। तुरफा मौजजात यानी अनोखे चमत्कार। यहाँ तुलसी की यह प्रथम पंक्ति भी एक चमत्कार की ओर इशारा करती है। धूल से भी आईना साफ हो सकता है बशर्ते धूल गुरु के पैरों की धूल हो। और यह वह चमत्कार नहीं है कि जो चंगाई सभा में मिशनरी दिखाते रहते हैं। श्री गुरु के पैर स्वयं जिंदगी की कठिन राहों पर चलकर अनुभव की धूल इकट्ठा करते चले हैं। राह में सफर की धूल थी जो कदमों से लिपट गई है। यह बैठे बैठाए पैरों में धूल नहीं लगती। जिंदगी में बहुत से तजुर्बाद हवादिस पेश आते हैं, धूल मिट्टी गर्द सब मिलते चले हैं, जैसे वही अनुभवी गुरु हमारा मार्गदर्शन करता है। वे चरण सरोज ऐसे ही कोमलता के वर्णन के लिए कह दिए गए शब्द नहीं है, ये वे कमल हैं जो कीचड़ में खिलते हैं। अभिषेक शुक्ला की एक गजल का शेर है, मैं अपने खाक पर एक उम्र तक बरसता रहा, थमा तो देखा कि कीचड़ में कुछ कमल निकले। तो यह एक अनुभवी गुरु है। अनुभव का अर्थ उम्र के बीतते जाने से नहीं लगाया जा सकता, यात्रा से लगाया जाता है। लोग निठल्ले बैठे बैठे भी उम्र गुजार देते हैं। अनुभव सिर्फ बहिर यात्रा का ही नहीं होता, अंतर यात्रा का भी होता है। और यदि बात निज मन मुकुर सुधार की बात है तो फिर वह अंतर यात्रा ही ज्यादा लगती है। इस अंतर यात्रा में उम्र प्रमाण नहीं है। एक शंकराचार्य बचपन से ही भारत भर की धूल फांकने निकल पड़ा है, पर उसी समय वह एक अंतर यात्री भी है। एक राबिया अल अदाविया हो सकती है जिसकी आध्यात्मिक जागृति बचपन में ही हो गई थी। एक प्रहलाद हो सकता है, एक ध्रुव हो सकता है, एक नचिकेता गुरु हो सकता है जो बचपन से ही जागृत आत्मा था। एक इब्न अरबी को बचपन से ही रहस्यवादी अनुभव होने लगे थे। सियना की सेंट कैथरीन को भी ऐसे ही अनुभव होने लगे थे। इसलिए चरण कमल बच्चों की तरह कोमल भी हो सकते, पर अंतर यात्रा के अनुभवों को वर्षों से नहीं जागृति की इंटेंसिटी से पहचाना जाता है और उन्हें ही मन में धारण किया जाता है। और धूल बड़ों के ही पैरों में नहीं लगती, बच्चे धूल में ही खेलते हैं। धूल भरे अति सुंदर श्यामजू, राम के पदरश से अहिल्या तर गई थी। यानी राम से उन्होंने वैसी ही शिक्षा प्राप्त की थी जैसे श्री गुरु के चरणों की सरोज रज से तुलसी ने प्राप्त की। और तुलसीदास ने गुरु के चरणों की धूल की है बात रामचरितमानस में भी कही है, जिसे मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग चालीसा को तुलसी के बचपन की रचना बताते हैं और रामचरितमानस को उनकी प्रौढ़वस्था की, तो कहा जा सकता है कि पूत के पाँव पालने में ही दिख गए थे। तो मानस में तुलसी कहते हैं, राम नाम कलिकाम तरु राम भक्ति सुरधेनु, सगुन सुमंगल मूल जग गुरु पद पंकज रेणु, कि गुरुदेव के चरण कमलों की धूल जगत में सारे शुभ शकुनों और कल्याणों की जड़ है। मानस की शुरुआत में ही वो कहते हैं, बंदव गुरु पद पदुम परागा सुरुच सुबास सरस अनुरागा। तो यहाँ ये पैरों की जो धूल है वो कमल का पराग है। इसी पैरों की धूल से तुलसीदास अपने मन के दर्पण को साफ करने की बात इस पंक्ति में कह रहे हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में।